गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम देखेंगे बिहू बुक से स्टैंडर्ड 9th चैप्टर 1 का पार्ट 3 पॉइंट 8 से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मतलब स्कूल के बारे में जानकारी ले रही थी मार्गी और टॉमी की, पहले कैसी स्कूल होती थी, टीचर्स मैन होते थे, इलेक्ट्रॉनिक टीचर्स नहीं होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इज टीचिस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन फिर टॉमी कहता है कि मेरी मम्मी कहती थी कि हर एक बच्चे का दिमाग अलग अलग होता था, तो टीचर्स सेपरेटली जाके उस बच्चे के दिमाग के हिसाब से वो कितना कैचअप कर रहा है उस हिसाब से उसे पढ़ाती थी, डिफरेंटली जाके मतलब अलग से जाके। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट दे वैन दे इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक सो आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट मार्गी से इट क्विकली। फिर मार्गी को देख के लग नहीं रहा था कि उसको इतना इंटरेस्ट है टॉमी जो बोलते हो, टॉमी ने कहा कि तुम्हें पसंद नहीं है तो मत पढ़ो। तो मार्गी तुरंत कहा कि नहीं नहीं मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये बुक अच्छी लग रही है, मुझे पढ़ना है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उसे पढ़ना था उस स्कूल के बारे में जो पहले की जो स्कूल कितनी फनीज होती थी, सब साथ में बैठ के पढ़ते थे, कितना एंजॉय करते होंगे, उसे ये सब बारे में जानना था। किसे? मार्गी को। दे वेरंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, नाउ सेड मिसिस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। उसके बाद वो लोग ने आधी बुक पढ़ी थी, इतने में मार्गी की मम्मी ने बुलाया कि मार्गी चलो स्कूल का टाइम हो गया है। तो मार्गी ने कहा कि नहीं मम्मी अभी नहीं। इतने में जो टॉमी था उसके भी स्कूल का टाइम हो चुका था, दोनों के स्कूल का टाइम हो चुका था, मतलब घर में ही बैठ के पढ़ना था वो लोग को कंप्यूटराइज्ड। मार्गी से टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। फिर मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं बुक तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ सकती हूँ, स्कूल खत्म हो जाएगा उसके बाद। मे बी ही सेड नॉनचेंटली, ही वॉक अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। उसके बाद मतलब टॉमी ने कहा कि शायद पढ़ भी सकते हो, एकदम जिसके इग्नोर करके कहा उसने मार्गी को, इसे मतलब नहीं बोलते हम होशियारी मार के कहा, और बुक को अपने हाथ के नीचे रखा, दबा दिया आर्म्स के बीच में और सीटी मारते मारते जाने लगा। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, इट ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे। उसके बाद मार्गी अपने स्कूल रूम में गई जो उसके बेडरूम के बाजू में ही था, और मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रही थी जो कि हर रोज़ इसी टाइम पे वेट करती है एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, क्योंकि सैटरडे और संडे उनकी हॉलीडे रहती थी। देखो इस टाइप का उसका स्कूल रूम होता था, आगे कंप्यूटराइज्ड है, बैठी है, पढ़ रही है इस तरीके से। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उसकी टीचर थी मैकेनिकल, वो अंदर स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रही थी। बिकॉज हर मदर से लिटल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, और क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था कि तुम अगर टाइम टू टाइम डेली पढ़ोगे, डेली तुम्हारा टाइम होगा जो उस टाइम पे पढ़ोगे तो तुम अच्छे से सीख सकते हो सब कुछ। द स्क्रीन वॉज लाइट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशंस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द पेपर स्लॉट। फिर स्क्रीन पर लाइट अप हुआ, उसके मैकेनिकल टीचर ने कहा कि आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक लेसन जिसमें एडिशन सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का, उससे पहले तुम्हारा कल का जो होमवर्क था वो इंसर्ट करो स्लॉट के अंदर, मतलब मशीन थी उसके अंदर तुम्हारा पहले होमवर्क दो जो कल दिया गया था। नेक्स्ट, मार्गी डिड सो विथ अ साइड, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। फिर मार्गी जो होमवर्क दिया वो देने लगी और सोच रही थी कि प्रीवियस जो पहले की स्कूल थी कैसी थी, मेरे दादा के दादा जब स्कूल जाते होंगे सब साथ में बच्चे आते होंगे, आजू बाजू के सब हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, साथ में खेलते होंगे, बैठते होंगे क्लासरूम के अंदर और साथ में घर जाते होंगे स्कूल ख़त्म होने के बाद। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वो सब एक ही चीज़ पढ़ते थे तो वो लोग कितना अच्छा था कि एक दूसरे की मदद करते होंगे होमवर्क करने के लिए और होमवर्क के बारे में बातें करने के लिए। एंड द टीचर्स वेर पीपल, और जो टीचर्स थी वो खुद ही इंसान पढ़ाते थे, कितना मज़ा आता होगा उस टाइम पे, ऐसा मार्गी सोच में पड़ गई। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी हैड फ्रैक्शन 1 and 1/4, और जो मैकेनिकल टीचर थी वो तो एक मशीन था तो वो खुद का काम कर रहा था, डिस्प्ले कर रहा था स्क्रीन पे कि
फ्रैक्शंस जब हम ऐड करेंगे 1/12 1/4 तो क्या होगा। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। लेकिन मार्गी का ध्यान तब स्क्रीन पे नहीं था, वो सोच रही थी कि उस टाइम पे बच्चे कितना एंजॉय करते होंगे, साथ में पढ़ते होंगे, बहुत ही मज़े करते होंगे। तो ये थी फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड, यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे की पोएम।